यस टीचर्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको अपने फ़ोन पर किस तरह से गूगल क्लासरूम लाइव ऐप जो है आपकी क्लासरूम लाइव ऐप वो कैसे यूज़ करनी है। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे अपना टाइम टेबल क्रिएट करेंगे। तो आपका फ़ोन में क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है क्लासरूम लाइव की। तो आप गूगल पर यहाँ पर लिखेंगे क्लासरूम लाइव, सर्च करेंगे तो ये क्लासरूम लाइव फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर, ये वाला। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, ठीक है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस इट विल ओपन द वेबसाइट फॉर क्लासरूम डॉट लाइव। अब आप देख सकते हो ये इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा सामने, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप साइट पे जाना है। देखिए यहाँ पर ये तीन डॉट्स हैं, तीन डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, टच करना है। तो मैं इसको टच करूँगी तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, इसको आपने चेक कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं जब ये सिलेक्ट करूँगी तो देखो ये आपका डेस्कटॉप साइट, जैसा आपका कंप्यूटर पे दिखता है, लैपटॉप पे दिखता है, वैसा ही ये आपका स्क्रीन सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है। यस टीचर्स, उसके बाद जब ये डेस्कटॉप साइट आपका ओपन हो जाएगा चेक करके, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ये कैन यू सी दिस, ये ग्रीनिश कलर में आपको थ्री लाइंस दिख रही हैं इस तरह से, राइट। तो इस पर आपको टच करना है, इस पे जब आप टच करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए आप फीचर, अबाउट अस, ब्लॉग, मीडिया, लॉगिन, आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है। सो विल गो टू लॉग इन ऑप्शन, लेट्स गो टू लॉग इन ऑप्शन। लॉग इन करने के बाद आप इसमें अपना जो भी आपका आईडी है, ठीक है, ईमेल आईडी वो इसमें डालेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के इसको आप लॉगिन कर लेंगे इधर से, ठीक है। जैसे मेरा ईमेल आईडी है तो मैं अपना ईमेल आईडी डालकर इसको लॉगिन कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपका ओटीपी है जो आपको प्रोवाइड किया गया है, वो आप एंटर करके इसको लॉगिन कर लेंगे। ये देखिए आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको वही स्क्रीन विजिबल होगा जैसा कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे क्लासरूम पहला ऑप्शन है, यहाँ आपको शेड्यूल करने का ऑप्शन आ रहा है। आपका कोई सेशन शेड्यूल नहीं है अभी, यहाँ पे हम ऐड करना सीखेंगे अभी। फिर टीचिंग रिसोर्सेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ, ये टीचिंग रिसोर्सेज, असाइनमेंट, असेसमेंट, डिस्कशन, ठीक है, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। ओके, अब यहाँ पर है क्लासरूम लाइव, ठीक है, क्लासरूम लाइव पर मैंने टच किया है। अब यहाँ पे हम कैसे नया शेड्यूल अपना ऐड करेंगे, ठीक है, वो हम सीखते हैं। यस, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा, जस्ट अ सेकेंड आई शो यू। यस टीचर्स, लॉग इन करने के बाद आप जब ये वाला स्क्रीन देखेंगे तो ये ऐसा विजिबल होगा जैसा आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में होता है। बाय चांस आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि थ्री डॉट्स में ऊपर जाकर कि आपका ये डेस्कटॉप साइट इनेबल्ड होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं है तो दैट मीन्स आपके कुछ ऑप्शन यहाँ आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर फिर फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाइव क्लासरूम, जिसको मैं जूम कर रही हूँ। लाइव क्लासरूम ऑप्शन है, इसमें आप टुडे, वीकली और ये सारा आपको शो कर रहा है, देखिए, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम ऐड कैसे करेंगे, नया नया ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ, वीकली है, जैसे वीकली पे आप जाओगे तो आपको देखो वीकली का ये दिखा रहा है ना यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये एडिट बटन पे जाना है, ठीक है। यू हैव टू टच दिस एडिट बटन, यहाँ देखो वीकली ऑप्शन, उसके बाद एडिट। तो एडिट पे जब आप टच करोगे तो आपको ये अपना टाइम टेबल एडिट करने के लिए ऑप्शंस देगा। तो आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे ऐड शेड्यूल आपको दिख रहा है, जैसा मैंने आपको लैपटॉप में बताया था। तो ऐड शेड्यूल पे टच करेंगे तो ये सिमिलर ऑप्शंस आपको शो करेगा, सिमिलर वे है इसको ऐड करने के लिए। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वही स्टेप्स आपको यहाँ पर भी फॉलो करने हैं फ़ोन के अंदर। तो फ़ोन के अंदर भी आप इजीली इसमें लॉग इन करके गूगल पर सर्च करके क्लासरूम लाइव, और इसकी वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, ये थ्री डॉट्स पे करके डेस्कटॉप साइट चूज़ कर लेना है। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू द सेम थिंग्स दैट वी वर डूइंग ऑन द लैपटॉप एंड कंप्यूटर ऑन योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स बाकी के आप मेरे क्लासरूम लाइव ऐप का वीडियो नंबर 2 में आप देख सकते हैं, मैंने सारे ये स्टेप्स इसके आगे के आपको एक्सप्लेन किए हैं। कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि फ़ोन में हमने कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड शेड्यूल करके आप अपने यहाँ पर जो भी शेड्यूल है वो ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर सेव बटन है, सेम स्टेप्स करने हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अब वापस आप, अभी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि मैंने डाला नहीं है, तो इसमें मैं बैक पे जाती हूँ। सिमिलर ऑप्शंस हैं, ये देखिए यहाँ पे टीचिंग रिसोर्सेज भी आ जाएगा, टीचिंग रिसोर्सेज में यू कैन सी ओवर हियर दिस क्रिएट न्यू ऑप्शन, सेम आ रहा है जैसा आपका कंप्यूटर में आता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अभी ये आप इसको ऐप के थ्रू ना करके पहले आप इसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर है। ऐप का भी मैं आपको बता दूंगी कि ऐप में किस तरह से ऑप्शंस ये वाले आते हैं। ओके, थैंक यू टीचर्स, आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू कि आप मोबाइल फ़ोन में कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डेस्कटॉप साइट वर्जन। थैंक यू।